राम नमस्ते सत श्री अकाल, क्या हालचाल, क्या बोलती पब्लिक, चल मचा दे, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। दोस्तों सम्मान के साथ आपका नए ब्लॉग में स्वागत है। जोहर की नमाज होने वाली है और नहा धो के आपका भाई फ्रेश हो चुका है, तो आसान जैसे ही होगी वैसे ही नमाज पढ़ने जाएंगे और उसके बाद एक बढ़िया सी बेहतरीन सी मेल लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा भीषण वाली भूख लग रही है। तो चलते हैं नमाज के लिए। तो दोस्तों हमारी ईरानी बेटी की गुड मॉर्निंग हो चुकी है और आज नेताजी बनी है। माशाल्लाह, वाह वाह, क्या बात है नेताजी। अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा? और चाय पी आपने? हाँ, तो जाओ मम्मी से कहो कि बेहतरीन सी एक अदरक वाली चाय बनाए, कम चाय पत्ती वाली। कहाँ जा रही हो? अच्छा आपकी बैंक ले रही हो, ठीक है ले लो। जाओ जल्दी से मम्मी से बोल के चाय बनाओ डैडी के लिए। तो दोस्तों थोड़ी आज वेट को सेट करवाने जाएंगे। आज संडे है और बहुत ही सुहाना डे है आज का, और आज सूरज निकला नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड है और आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है। सूरज देखो कितना मध्यम निकल रहा है, मतलब सूरज आज छुट्टी पे है, वो भी संडे बना रहा है। तो चलते हैं बीएड को सेट करवा के आते हैं और बाइक उठाते हैं अपनी। तो नहीं नीचे ही आज, वो भी गया नहीं है, उसकी भी छुट्टी है, तो चलते हैं। Few moments later. तो माशाल्लाह दोस्तों मेरी बीएड सेट हो चुकी है और बहुत ज़्यादा भीषण वाली भूख लग रही है और खाना खाएंगे, उससे पहले नहा लेते हैं। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा, गर्म पानी से बेहतरीन नहाया जाएगा आज को। तो दोस्तों ये मेरे गैस की नली है और ये बहुत ज़्यादा लीकेज हो रही थी, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी गैस की, और ये भी मैंने निकाल लिया है। और नई जो नली है वो मेरे पास है तो आज इसको चेंज कर देंगे, नहीं तो क्या है कि सारी गैस ख़त्म हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी गैस की, कुछ भी इंसिडेंस होने से पहले हम इसे चेंज कर देते हैं। और ये जो रिंग है, रिंग भी मैं लेके आया था, तो ये रिंग नई है और ये स्टील की रिंग है, तो इसे ये तो ख़राब हो गई एक बार, वन टाइम यूज़ के लिए होती है, तो इसे हम निकाल के चेंज कर देते हैं। और ये नली भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, यहाँ पे भी टेप लगी है, इधर भी टेप लगी है, इधर भी ये नली फट गई है, तो ये बेकार हो गई है, इसे चेंज कर देते हैं आज। ये वाली जो नली है ये बिल्कुल न्यू है और इसे लगाते हैं गैस में, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी और एकदम फ्रेश है, तो इसे चेंज कर लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों ये मैंने लगा दी है नली यहाँ पर और इसे कसना बाकी है, इसे कस देते हैं, फिर उसके बाद ये कनेक्टर को भी हम टंकी में कस देंगे। तो दोस्तों मैंने कनेक्टर को कस दिया है और काफ़ी टाइट मैंने कसा है इसे, आई होप गैस ना लीकेज हो, तो इसे लगा देते हैं जल्दी से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्या जोरों की बरसात हो रही है और ठंड बहुत कातिलाना होने वाली है। ठंड के मौसम में ये नवंबर एंड है, दिसंबर स्टार्ट होने वाला, और इतनी कड़ाके की बारिश हो रही है, मैंने आज तक नहीं देखी कि नवंबर दिसंबर में इतनी बारिश हो। भाई साहब ये ठंड इतना ख़तरनाक बढ़ा देगा कि बस पूछो ही मत, और बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है। ओहो मज़ा आ गया, वाह वाह। द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो दोस्तों कल रात बारिश होने की वजह से क्या है कि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है और इतनी कड़ाके की ठंड लग रही है, धूप भी नहीं निकल रही है, और मुझे लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ने वाली है, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी, बहुत हालत ख़राब है। और ठंड की वजह से आज मैं जिम भी जा नहीं पाया, फरमान का फ़ोन आया था बट सुबह उठने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी कि मैं जिम चले जाता, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ठंड में, और थोड़ा सा काम है वो निपटाते हैं फिर चलते हैं। मेरी प्यारी बेटी क्या कर रही है? ओहो ठंड में टोपा ओपा सब लगा लिया, क्या बात है, स्वेटर भी पहन लिया, कार्टून चल रहे हैं क्या? ओ डियाना देख रही है हमारी बेटी, कौन है नेस्टा है? अरे वाह यार, नेस्टा का कार्टून देख रही है वो, नाश्ता 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 तो ब्रेकफास्ट होता है। ये अच्छा ये नाश्ता है, ठीक है देख लो आप आराम से।
ठीक तो है। दोस्तों जोहर की नमाज़ का टाइम हो गया, जल्दी से वज़ू बनाते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। तो माशाल्लाह दोस्तों हमारा खाना लग रहा है और इंडक्शन हमने यही ले लिया है ताकि गर्मा गर्म रोटी यहीं पे मिले, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और गर्मा गर्म रोटी यहीं से करके जल्दी से खा लेंगे। दानियल आप तैयार हो खाने के लिए? बताओ, खाने की बात करो तुम। डैडी क्या बनाया? डैडी कुछ पूछ रहे हैं आपसे। हाँ बहुत बढ़िया है, ठीक है। और आप खाना खाओगी कि नहीं खाओगी ये तो बता दो हमें। खाओगी ना? तो ये रोटी गर्म हो रही है दोस्तों और दाल बन गई हमारी। और अभी क्या है कि डेली गोट मीट डेली बन रहा है, तो आज सोचा कि थोड़ी सी दाल बना ले और थोड़ा सा हल्का भी हो जाएगा और जल्दी से खाते हैं। गर्मा गर्म दाल है, दाल में भी गोश्त है। ओहो माशाल्लाह, दाल गोश्त है ये तो, वाह वाह। ये अल्लाह की वो नियामत है जिससे कभी दिल नहीं भरता। तो दोस्तों आ गई हमारी गर्मा गर्म रोटी और गर्मा गर्म दाल तो गोश्त। मल दूं क्या? नहीं नहीं, अरे मल दूं? नहीं नहीं नहीं, पहले मैं खाऊंगा ऐसे, पहले मैं ऐसे खा के देखूंगा कैसी लग रही है। बिस्मिल्लाह अल्लाह बरकतिल्ला। ओ मुन्नू एक काम करो यार, एक प्लेट लेकर आओ यार, बहुत टेस्टी है। तो दोस्तों मैंने अपनी रोटी को चूर लिया है अच्छे से, हमारी बेटी ने भी चूर लिया है, बीवी भी चूर के खा रही है और टोनी आने वाला है तो जल्दी से चूर चूर के खाते हैं। सर्दियों में गर्मा गर्म खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है दाल गोश्त माशाल्लाह। दोस्तों आपको कैसा लगता है दाल गोश्त कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे थोड़ी पूरा पूरा दो हाथ में। जा तो नहीं खेलो, नहीं खेलो, ऐसे नहीं 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 नहीं, नहीं खेल लो मेरे बच्चे। यहाँ क्यों दे रही है मेरे को? दो ना, यहाँ कौन रहेगा? फेंक दे ना, देखो फेंक दे, कितना गुस्सा कर रहा है। पैसे फेंकेगी तो लपक देंगे भी नहीं। मगरिब की नमाज का टाइम हो गया है और दोस्तों बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, जैकेट पहनी है, वजू बनाया ना, तो वजू बना के इतनी हालत खराब हो गई, एकदम शिवरिंग होने लग गई है और बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है एकदम। कल रात को पानी गिरने की वजह से क्या है कि आज बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। और जल्दी से मगरिब की नमाज़ पढ़ लेते हैं, वज़ू बना लिया है मैंने और फटाफट नमाज़ पढ़ते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी ABCD बनाना सीख गई हैं और ये काफ़ी अच्छी तरह से ABCD बना रही हैं। वाह माशाल्लाह, बना लो बेटी, अच्छे से बना लो। वेरी गुड वेरी गुड। सी ऐसा नहीं बनता, ये आपने डी बनाया, सी भी बनाओ, सी ए बी और सी। हाँ अच्छे से बनाओ, अच्छे से, फिर से ट्राई करो, ट्राई करो। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे से पढ़ो। ये आपने क्या बनाया? एलिफेंट। अच्छा एलिफेंट बनाया, ए बनाओ बी बनाओ, ये क्या बनाया आपने? एफ बनाया? नहीं वो तो मैंने, फिर से ABCD बनाओ ना अच्छे से। तो दोस्तों बीवी की मगरिब की नमाज चल रही है और मगरिब का टाइम है और बहुत ज़्यादा ठंड है, तो बीवी ने भी बहुत कवर करके रखा है क्योंकि बीवी को भी ठंड लगती है और दानियल को भी हमने कवर कर रखा है और मैंने भी जैकेट पहन रखी है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीषण वाली ठंड लग रही है। और बीवी ने रखी है गर्मा गर्म बेहतरीन अदरक वाली चाय, तो जैसी नमाज हो जाएगी उसे हम अदरक वाली चाय पियेंगे। और दानियल को पता नहीं क्यों हंसी आ गई, क्यों हंसी आ गई बेटी? ऐसे ही यार, तो ऐसे ही हंसी आ गई दानियल। तो दोस्तों अपने जिम का टाइम हो चुका है और आज बहुत ज़्यादा ठंड है तो वर्कआउट भी बहुत तगड़ा होने वाला है, लेग लगाएंगे और वर्कआउट करने चलते हैं। फरमान आने वाला है, उसके थोड़े से गेयर डालना है,
वो तो आप समझते ही होंगे, अभी वो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है, तो कुछ गेयर लेना ही पड़ते हैं, और क्या गेयर होते हैं वो एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, बहुत जल्दी बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि टाइम मिल नहीं पा रहा, बाकी इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, जिसमें मैं बल्किंग के गेयर और कटिंग के गेयर दोनों की वीडियो बनाऊंगा बहुत शानदार तरीके से, आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो चलते हैं जिम, उससे पहले फरमान को गेयर लगा देते हैं। तो दोस्तों अपना लेग प्रेस चल रहा है, और लेग लगाने में तो आप जानते ही हो सारी जान लग जाती है, बाकी लेग तो लगाना है, तो लगाते हैं लेग प्रेस। तो दोस्तों लेग वर्कआउट हो चुका है, और इतना खतरनाक लेग वर्कआउट था कि जान जान निकल गई है, घोड़े दौड़ चुके हैं, बिल्कुल भी बॉडी में एनर्जी नहीं बची है, और आज मैंने दिल खोल के लेग लगाए हैं, ऐसा नहीं कि मैंने कंजूसी की है, मैंने काप भी लगाए हैं और लेग स्क्वाट वगैरह सारी चीज़ें लगा दी मैंने। 1.5 घंटे का वर्कआउट था मेरा, और 1.5 घंटे सिर्फ मैंने लेग मारा है, तो आप समझ सकते हैं कि मैंने क्या वर्कआउट किया होगा। तो घर चलते हैं, एक लेंगे पोस्ट वर्कआउट मील लेंगे, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा टाइट है और भूख भी बहुत भीषण वाली लग रही है, तो यहाँ से निकलते हैं और घर जाएंगे, थोड़ा आराम भी करेंगे, तो चलते हैं घर। तो दोस्तों आज के व्लॉग को करते हैं हम यहीं एंड, मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, चैनल बनाए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, तब तक के लिए शब्बा खैर।